फिल्मी झरोका के नए एपिसोड्स को देखने के लिए सब्सक्राइब का बटन दबाएं। हर रोचक किस्से की जानकारी के लिए घंटी के बटन को भी जरूर से दबाएं। देखते रहें फिल्मी झरोका। फिल्मी झरोका में आज आपके लिए पेश है दिलीप कुमार और मधुबाला के अधूरे प्रेम की पूरी कहानी। जिंदगी में कई आयाम हासिल करने वाली मधुबाला किसी और की शर्मीली मुस्कान में गिरफ्त हो गई, और वो मुस्कान थी दिलीप कुमार की। सुनहरे पर्दे की ऐसी जोड़ी जिन्होंने पर्दे पर सलीम और अनारकली के किरदार को जीवंत कर दिया। इन दोनों ने ऐसा किरदार निभाया था कि कहीं भी अगर जन्नत में सलीम और अनारकली होंगे तो वो भी हैरान हो गए होंगे इनके अभिनय की प्रतिभा को देखकर। बात फिल्म तराना की करते हैं, उसी फिल्म के सेट पर दिलीप कुमार और मधुबाला की पहली मुलाकात हुई। शूटिंग के सिलसिले इतने हुए कि मिलना जुलना और बातें करना शुरू हुआ। मधुबाला को पता भी नहीं चला कि कब वो दिलीप कुमार की उस शर्मीली मुस्कान की गिरफ्त में आ चुकी हैं। इश्क में गिरफ्तार मधुबाला ने एक दिन गुलाब का एक फूल दिलीप कुमार को भिजवा दिया और साथ लिख दिया, अगर आपको मुझसे मोहब्बत का इकरार हो तो इन गुलामों को कबूल फरमाइएगा। क्या हो गया? मर्ती। इसके बाद दिलीप कुमार ने अपनी शर्मीली मुस्कान में इश्क की रजामंदी दे दी। अपनी फिल्म की शूटिंग छोड़कर वो अक्सर पहुंच जाते थे मधुबाला की शूटिंग्स में। बॉलीवुड के गलियारों में इनके प्रेम की हवाएं चलने लगी। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। के आसिफ की मुगले आजम भले ही रिलीज हुई 1960 में, लेकिन उसकी शूटिंग 1950 के दशक से ही शुरू हो चुकी थी। मधुबाला की बहन मधुर भूषण के मुताबिक मधुबाला और दिलीप कुमार की सगाई भी हो चुकी थी, और दिलीप कुमार की बड़ी बहन सकीना आपा मधुबाला के घर रस्मी तौर पर चुनरी लेकर भी पहुंची थी। पर एक दिन सब सही होते होते बात बिगड़ गई। इतने दिन से फरियाद कर रहे थे मुझसे, चोर डके कहेंगे। हुआ यूं कि सन 1956 में निर्माता निर्देशक बीआर चोपड़ा ने अपनी फिल्म नया दौर की प्लानिंग की थी। फिल्म बनने वाली थी, दिलीप कुमार के साथ मधुबाला को भी कास्ट किया गया। शुरुआत बहुत अच्छी साबित हुई। फिल्म शूट होना शुरू हुई, 10 दिन की शूटिंग मजे मजे में हो गई। फिर बात आई आउटडोर शूटिंग की, जो होनी थी भोपाल के पास बुधनी कस्बे में, जहां पर 2 महीने चलनी थी ये शूटिंग। लेकिन बीआर चोपड़ा की इस आउटडोर शूटिंग से अताउल्ला खान सहमत नहीं थे। उन्होंने कहा कि शूटिंग तो बॉम्बे में भी की जा सकती है। गुस्से में आकर चोपड़ा साहब ने मधुबाला की जगह वैजयंती माला को फिल्म में साइन कर लिया और मधुबाला को फिल्म से निकाल दिया। दिलीप कुमार इस पूरे मामले में बीआर चोपड़ा साहब के साथ खड़े नजर आए, क्योंकि दिलीप कुमार को भी लगता था कि अताउल्ला खान अपनी जिद की वजह से मधुबाला को बाहर जाने की इजाजत नहीं दे रहे हैं। और ये बात जग जाहिर थी कि मधुबाला को कभी किसी सार्वजनिक कार्यों में, किसी भी फिल्म के प्रीमियर में भाग लेने की इजाजत नहीं दे रखी थी अताउल्ला खान ने। वो मधुबाला के सेट पर हमेशा मौजूद रहा करते थे, और यही बात दिलीप कुमार को पसंद नहीं आती थी, और शायद इसी वजह से दिलीप कुमार बीआर चोपड़ा के साथ खड़े हो गए। और वहीं मधुबाला के परिवार वालों का कहना था कि मधुबाला बीमार रहने लगी थी, दिल में छेद होने की वजह से इस बात को दुनिया के अलावा फिल्म इंडस्ट्री से भी छुपाया हुआ था। आउटडोर में जाने से मधुबाला की तबीयत बिगड़ सकती थी, इसीलिए अताउल्ला खान ने मना किया था। पर बात इतनी आसानी से खत्म नहीं हुई। चोपड़ा साहब ने वैजयंती माला को लेकर फिल्म का ऐलान एक अखबारी इश्तेहार के जरिए कर दिया। इस इश्तेहार में मधुबाला पर एक कट का निशान लगा दिया और उसकी जगह वैजयंती माला की फोटो छपवा दी। अताउल्ला खान का भी खून खौल उठा उस इश्तेहार को देखकर। जवाब में उन्होंने इश्तेहार दे दिया जिसमें मधुबाला की तमाम फिल्मों के नाम देकर आखिर में नया दौर पर वैसा ही कट का निशान लगा दिया। और इतना ही नहीं, खान साहब ने अदालत में फिल्म की शूटिंग पर रोक लगाने के लिए केस भी दायर कर दिया। बीआर चोपड़ा ने साइनिंग अमाउंट के तौर पर दिए गए 30,000 रुपए की वापसी के लिए भी केस लगा दिया उल्टा मधुबाला पर। मैं अपने मुकदमे की खुद पैरवी करने की इजाजत चाहती हूँ। अदालत आपका हक मानती। और बात जब कोर्ट में पहुंची तो दिलीप कुमार ने बीआर चोपड़ा का साथ दिया। दिलीप कुमार से सारे सवालों के साथ ये भी पूछा गया, क्या वो मधुबाला से प्यार करते हैं? सवाल का पूछना भी लाजमी था, क्योंकि उस समय हर कोई इन दोनों के प्यार से वाकिफ था। मजिस्ट्रेट आर एस पारेख की
अदालत में सबके सामने दिलीप कुमार ने कहा, हाँ मैं मधुबाला से प्यार करता हूँ और करता रहूंगा। पर यह सबसे बड़ी बदकिस्मती रही कि दिलीप कुमार और मधुबाला के बीच कोई झगड़ा न होते हुए भी उनकी राहें अलग हो गई। 7 साल का गहरा प्यार कुछ ही दिनों में यूं बिखर जाएगा, किसी ने सोचा भी नहीं था। मधुबाला की बहन मधुर भूषण के अनुसार निर्देशकों और फिल्म के दिग्गज लोगों द्वारा बीआर चोपड़ा और अताउल्लाह खां में सुलह करवा दी गई थी, पर मधुबाला को इस बात से बहुत बड़ा दुख लगा था कि दिलीप कुमार ने उनके पिता का साथ न देकर किसी और का साथ दिया। मधुबाला ने दिलीप कुमार से कहा भी था कि वो उनके पिता से अगर सॉरी बोल दें और गले लगा लें तो बात बन सकती है। मधुबाला ने कहा, ये सिर्फ घर पर ही करना है, पर ऐसा करने के लिए भी दिलीप कुमार राजी नहीं हुए और महज एक सॉरी शब्द ना बोलने के कारण उनमें इतनी बड़ी दूरी बन गई जो कभी मिट नहीं पाई। मोहब्बत की झूठी कहानी पे रो। कई लोगों का ये भी कहना था कि अताउल्लाह खां मधुबाला की शादी नहीं करना चाहते थे, पर जरा सोचिए अगर ऐसा होता तो मधुबाला के पिता कमाल अमरोही के लिए भी कभी हाँ नहीं कहते। दिलीप कुमार और अताउल्लाह खां की ऐसी नासमझी और ना दिखने वाली जंग ने इनके रिश्तों में जंग लगा कर रख दी। दिलीप कुमार ने मधुबाला को ये तक कह दिया था कि अगर वो अपने पिता से सारे रिश्ते खत्म कर दे तो वो उनसे निकाह कर लेंगे। मैं तुझसे नफरत करती हूँ, तुम झूठे हो, तुमने मुझे धोखा दिया। दिलीप कुमार का ये भी कहना था कि अताउल्लाह खां ने खुद की एक फिल्म कंपनी बना ली थी और वो इन दोनों की शादी भी करवाना चाहते थे और साथ ही वो ये भी चाहते थे कि ये दोनों सिर्फ उनकी फिल्म कंपनी में ही काम करे, पर दिलीप कुमार को ये सौदा पसंद नहीं था। मधुबाला के लिए दिलीप कुमार ने कहा था कि वो एक आज्ञाकारी बेटी है, बहुत फेम है, बहुत सक्सेस है, बहुत पैसा है, पर इसके बावजूद वो अपने पिता के अंडर में काम करती है। सबसे बड़ी कमी इनकी ये है कि ये अपने परिवार को कभी नहीं छोड़ सकती। और दूसरी तरफ मधुबाला को भी दिलीप कुमार के प्यार के आगे अपने पिता का दुलार ज्यादा पसंद था। वो मानती थी कि आज वो जो कुछ भी है वो अपने पिता की वजह से ही है और इसीलिए उन्होंने अपने पिता की इज्जत की खातिर अपने प्यार को छोड़ दिया। मुगले आजम फिल्म की शूटिंग होते होते इनके बीच इतनी दूरियां हो गई थी कि साथ काम करते करते भी वो एक दूसरे से बात नहीं करते थे। आपस में दुआ सलाम भी बंद हो चुका था। दिलीप कुमार ने भी अपनी बायोग्राफी में इस बात का जिक्र किया था कि हम मुगले आजम के लिए पर्दे पर अमर प्रेम निभा रहे थे लेकिन असल जिंदगी में हमारे रिश्ते खत्म हो चुके थे। मुगले आजम के एक रोमांटिक सीन को तो ऑल टाइम फेवरेट रोमांटिक फिल्म सीन्स में गिना जाता है, जब सलीम की गोद में अनारकली सिर रख कर लेटी है और उस्ताद तानसेन का आलाप चल रहा है और सलीम अनारकली के चेहरे पर पंख घुमा रहा है। पर असल जिंदगी में उस वक्त बात तो छोड़िए, हम रस्मी दुआ सलाम भी नहीं किया करते थे। 50 के दशक में ही मधुबाला की बीमारी का भी पता चल गया था। उनके परिवार ने भी इस बात को स्वीकार कर लिया था कि ये बात इसीलिए छुपाई गई थी क्योंकि मधुबाला उस वक्त काफ़ी फिल्में कर रही थी। अगर ये बात बाहर निकलती कि मधुबाला के दिल में छेद है तो मधुबाला के करियर को विराम लग जाता, कई निर्माता निर्देशकों को भारी नुकसान उठाना पड़ता। मुगले आजम की शूटिंग के दौरान भी मधुबाला की तबीयत खराब रहा करती थी पर उन्होंने इस बात का एहसास किसी को भी नहीं होने दिया। यहाँ तक कि मधुबाला अपनी नफासत और नज़ाकत को कायम रखने के लिए उबले पानी के सिवा कुछ भी नहीं पिया करती थी। मुगले आजम की शूटिंग के दौरान मधुबाला को कुएं और पोखर का गंदा पानी तक पीना पड़ा। यही नहीं, मधुबाला बनी अनारकली पर असली लोहे की जंजीरें लाद दी गई थीं ताकि सीन ओरिजिनल लगे। बीमारी की वजह से ज़्यादा तकलीफ भी हो रही थी मधुबाला को, उनकी जगह जगह से स्किन भी छिल गई थी, पर वो हमेशा यही कहती थी, मैं तकलीफ में हूँ तो सहन कर जाऊँगी, पर अनारकली बनने का मौका बार बार नहीं मिलेगा। इसी फिल्म की शूटिंग के दौरान फिल्म के एक सीन में सलीम अनारकली को थप्पड़ मारता है। दिलीप कुमार ने सलीम बनकर मधुबाला को ऐसा करारा तमाचा मारा था कि सेट पर मौजूद तमाम लोग हिल गए थे। मधुबाला को भी अपने होश संभालने में वक्त लग गया था। रियल लाइफ के सलीम के अधूरे प्यार की ये ऐसी हार थी जिससे उन्हें खुद ही होश नहीं रहा और असल में उन्होंने मधुबाला को थप्पड़ मार दिया। उम्मीद काश तुमसे मोहब्बत।
नफरत न होती। 5 अगस्त 1960 में ये फिल्म रिलीज हुई और मुगले आजम फिल्म ने सफलता के कई आयामों को तोड़ दिया। ये फिल्म सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म साबित हुई। इस जोड़ी ने तराना के बाद 1952 में संग दिल और 1954 में अमर फिल्म में एक साथ काम किया। धीरे धीरे मौत के फरिश्ते उनके घर पर दस्तक देने आने लगे, जिसकी आहट अब मधुबाला के साथ सबको सुनाई देने लगी। मधुबाला जहां अपनी बीमारी में धसती चली जा रही थी, वहीं वो अपने बिगड़ते रूप से भी बहुत ज्यादा दुखी रहने लगी थी। मधुबाला, जिसका मतलब ही खूबसूरती था, अब वो खुद को आईने में देखकर डरने लगी थी। जिंदगी के आखिरी साल जब उन्होंने बिस्तर पर सोते सोते गुजारे, उसी समय उन्होंने अपने कुछ सोए हुए अरमानों को भी जगा लिया। वो मुझसे बहुत दुखी हैं शीला। उन्होंने दिलीप कुमार को मिलने के लिए बुलाया। इस मुलाकात का जिक्र करते हुए दिलीप कुमार ने कहा, वो मरना नहीं चाहती थी। मुझे बहुत अफसोस हुआ जब उन्होंने मुझसे पूछा कि अगर वो ठीक हो जाएंगी तो क्या मैं उनके साथ फिल्म में काम करूंगा। मैंने उनसे कहा, तुम जरूर ठीक हो जाओगी, तुम ठीक ही हो। मैंने उनको यकीन दिलाया और वादा किया कि हाँ, मैं तुम्हारे साथ फिल्म जरूर करूंगा। लेकिन ये वादा कभी पूरा नहीं हो सका। दिलीप कुमार को देखकर बहुत दिनों बाद मधुबाला के चेहरे पर एक फीकी सी मुस्कान आई थी और उन्होंने दिलीप कुमार को कहा था, हमारे शहजादे को आखिरकार शहजादी मिल ही गई, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। जिस वक्त मधुबाला ने इस दुनिया को अलविदा कहा, उस वक्त दिलीप कुमार मद्रास में अपनी फिल्म गोपी की शूटिंग कर रहे थे। लेकिन जब तक दिलीप कुमार शूटिंग से मधुबाला के घर तक पहुंच पाते, तब तक सांता क्रूज मुंबई की जुहू मुस्लिम सिमेट्री में दफना दिया गया। वो उनकी आखिरी झलक भी नहीं देख पाए, सीधे कब्रिस्तान गए और मधुबाला की कब्र के पास खड़े हो गए और दुआ करते रहे। तो ये कहानी यहीं पर खत्म होती है, लेकिन अगर आप मधुबाला की पूरी कहानी जानना चाहते हैं तो बीवी का टीवी चैनल पर जाएं और देखें बायोग्राफी मधुबाला की। अब आज्ञा दीजिए तरुण व्यास को, अगली बार फिर से मुलाकात होगी नए रोचक किस्से के साथ। तब तक फिल्मी झरोखा को लाइक करिए, शेयर करिए और फॉरवर्ड करते रहिए और डूबे रहिए बॉलीवुड के प्यार में।